अभिजीत अभिजीत अय्यर मित्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। अभिजीत अय्यर मित्रा, क्या ये मोदी विरोध है या सचमुच अग्निवीर स्कीम में ये एक नया लूप होल ढूंढ कर लाई है विपक्ष, जिससे सवालिया चिन्ह लगाना चाह रही है अग्निवीर स्कीम पर? देखिए, ये 70 तो नहीं, कम से कम 120 साल से चलने वाला स्कीम है। आपको जरूर, आपके दर्शकों को दो पेपर पढ़ने चाहिए। एक है येल के जो प्रोफेसर है स्टीव विल्किंसन, उनका आर्मी और नेशन, और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का शुरावर्ती का पेपर जो है पंजाबाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम 1857 टू 1947। इसमें आपको पता चलेगा, और जैसे तहसीन ने बोला था कि जब अंग्रेज थे इधर, उन्होंने आर्मी को कास्ट, रिलीजन और क्षेत्र के बेसिस पे डिवाइड किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई एक क्षेत्र में भगवा हो गया तो दूसरे क्षेत्र के जो सेना लोग हैं वो हमारे खिलाफ भगवा नहीं करेंगे। तो एक किस्म से हर क्षेत्र का और हर धर्म का और हर जाति का उसने बैलेंस रखा हुआ था। तो वो जाति को एक्सप्लॉइट करते थे, धर्म को एक्सप्लॉइट करते थे, क्षेत्र को एक्सप्लॉइट करते थे, ताकि उनका राज कभी ना चला जाए। स्टीव विल्किंसन के किताब से क्या पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको एकदम उल्टा किया था, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर फौज और पंजाबाइज्ड होते रहे तो क्या होगा कि एक क्षेत्र को बहुत सारा पावर आ जाएगा। तो उन्होंने पहले से ही कोशिश किया कि हर नाम वही रहे, यानी कि सिख रेजिमेंट या महार रेजिमेंट या ये रेजिमेंट या वो रेजिमेंट, पर उन्होंने क्या किया, कास्ट पता लगा के, धर्म पता लगा के, क्षेत्र पता लगा के, उन्होंने बहुत मिक्सिंग मैचिंग किया ताकि हर रेजिमेंट में बहुत सारे धर्म हो, बहुत सारे क्षेत्र हो, बहुत सारे जात हो। और उन्होंने इसके बारे में सोचना इंडिपेंडेंस से पहले ही करना शुरू कर दिया था। 1932 से ही सरदार पटेल ने, नेहरू ने बहुत अपना दिमाग लगाया था, राजगोपालाचारी ने बहुत अपना दिमाग लगा के ये कास्ट, धर्म और रिलीजन का मिक्स मैच किया। तब से वो जानना चाहते हैं आपका धर्म क्या है, आपका कास्ट क्या है और आपका क्षेत्र क्या है, ताकि आप कभी भी अपने ही क्षेत्र के लोगों के साथ, अभी कभी भी अपने धर्म के लोगों के साथ, कभी भी अपने जात के लोगों के साथ आप एकजुट नहीं होंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रहा है और जो वामपंथी है वो इसका क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की ही पॉलिसी है कि हम सबको मिलाएंगे, जान के मिलाएंगे, जान के बांटेंगे नहीं, जान के मिलाएंगे। तो कांग्रेस को तो इसको ताली मारनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने उनका पॉलिसी को लेके और बड़ा किया है। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ नाविका जी, संक्षेप में उत्तर दे देता हूँ। थैंक यू अभिजीत जी, आपने जो कहा कि कांग्रेस ने एक्चुअली देश के लिए कुछ, जी थैंक यू अभिजीत जी, आपने जो कहा कांग्रेस ने एक्चुअली देश के लिए कुछ अच्छा किया, मैं उसी को तर्क को आगे ले जाना चाहता था मेरे 60 सेकंड के बाद। देखिए, ये जो कास्ट लिया जा रहा था रेजिमेंट के लिए, उसको एक पॉजिटिव मिक्स मैच करने के लिए, आज अग्निपथ एक नई स्कीम है, यहाँ पर कास्ट की जरूरत आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये देश, ये एक यूनियन स्कीम है। यहाँ पर अलग अलग रेजिमेंट्स में आप नहीं जा रहे हो, अग्निवीर स्कीम में जा रहे हो, अग्निपथ स्कीम में जा रहे हो, तो आपको कास्ट क्यों जानना है? रिलीजन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप शहादत देते हो देश के लिए तो आपकी आपकी अंतिम क्रिया किस प्रकार से हो उसके लिए रिलीजन जानना जरूरी है, नॉट कास्ट। ये मेरा, ये इसलिए इसमें संदेह पैदा होता है, इसलिए डाउट पैदा होता है कि जो 25% लोगों को ये लोग रिटेन करने वाले, 75% लोगों को निकालने वाले, कहीं इस पर पॉलिटिकल प्रेशर ना आए, कहीं इसकी वजह से कोई और प्रेशर ना आए। अब तक शहजाद नहीं बता पाए कि जो लोग बाहर जाएंगे 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट में अब्सॉर्ब हो गया पुलिस फोर्सेज में, वो किस प्रक्रिया से हो गए, वो स्पेसिफिक बताए, ना बताए कि आर्मी चीफ पे आपको भरोसा नहीं, नेवी चीफ पे, आज आप स्पेसिफिकली बताए। आपके इतने सवाल है तहसीन पूनावाला जी, तो मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी का इथॉस, इंडियन आर्मी का इथॉस वेबसाइट पे अवेलेबल है, indianarmy.nic.in पर लॉग इन कर लीजिए, और उसमें लिखा हुआ है कि फेयरनेस भी है यहां पर और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन आर्मी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट
ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन. अ सोल्जर इज अ सोल्जर फर्स्ट एंड एनीथिंग एल्स इज लेटर. और सर्वधर्म संभाव से किस तरह से आर्मी में होता है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं. ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं कि यहाँ पे पूजा भी होती है, यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है, यहाँ पर कोई क्रिश्चियन भी आ सकता है, सर्वधर्म संभाव चलता है. लेकिन ये आपके आपके जहन में, आपके दिमाग में हर चीज इतनी बटी हुई है. शहजाद पूनावाला.